एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबर सदर इलाके से है, जहां बुजुर्ग का शव घर पहुंचने के बाद मचा कोहराम। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से किया इनकार, सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर। बता दें कि अंतु थाना क्षेत्र के राजापुर रैनिया सुकुलपुर में कुल्हाड़ी के हमले में मृत राम अभिलाष का शव प्रयागराज में पोस्टमार्टम के बाद बुधवार शाम 5 बजे घर पहुंचा तो परिजनों में चीख पुकार मच गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने आरोपित की गिरफ्तारी, सस्ता लाइसेंस और आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। अंतु पुलिस के साथ ही सीओ सिटी सूर्यनारायण भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। हालांकि परिजन अंतिम संस्कार को राजी नहीं हुए। सीओ सिटी ने बताया कि मांगों को लेकर उन्होंने एसडीएम से बात की है, परिजन सहयोग कर रहे हैं, गुरुवार को फिर से बातचीत की जाएगी। बताया जा रहा है कि राम अभिलास के चेहरे पर सोमवार शाम करीब 8 बजे खेत की रखवाली करते समय कुछ लोगों ने टार्च की रोशनी दी। विरोध करने पर पिटाई करने के बाद सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर मड़ासन कर दिया गया था। मेडिकल कॉलेज से उसे प्रयागराज रेफर किया, वहां मंगलवार रात उसकी मौत हो गई। मृतक के बेटे शिवशंकर की तहरीर पर पुलिस ने प्रदीप यादव, कमल देव यादव, अमर देव, मनीष, मोहित, रोहित, बंटी व कुछ अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला का केस दर्ज कर कमल देव यादव और मोहित को गिरफ्तार कर लिया। वृद्ध की मौत की जानकारी मिलने के बाद तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात की गई है। थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमे को हत्या की धारा में परिवर्तित कर दिया गया और आरोपी गण घरों से फरार है, उनकी तलाश की जा रही, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजापुर रवनिया ग्राम के सुकुल का पुरवा में 29/1/2024 को गांव के 7 व्यक्तियों द्वारा और उसमें कुछ अज्ञात भी थे, गांव के ही एक बुजुर्ग राम अभिलाख शुक्ला जो करीब 72 वर्ष उनकी उम्र थी, उनको मारा पीटा गया। उनके सर पे धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई, गंभीर अवस्था में उनको रेफर किया गया था एसआरएन चिकित्सालय प्रयागराज। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें 7 नामजद हैं और अन्य अज्ञात में हैं। इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। 2 अभियुक्त जिसमें नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की, जहां युवक की गोली मारकर हत्या से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दरअसल आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के रामगंज बाजार निवासी सुशील कुमार यादव को अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मार दी गई। हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि रामगंज सुल्तानपुर जनपद के चांदा थाने के बॉर्डर का यह पूरा मामला है। रामगंज के बगल गांव सिंघौली थाना चादा में युवक को गोली मारी गई है। फिलहाल जिले की सीमा पर हुई हत्या के बाद दोनों पुलिस सीमा विवाद में उलझी हैं और पुलिस के आला अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं जानकारी होने के बाद पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। घटना सर ये है कि हम लोग लैटरिंग करने गए थे, गाँव में एक तरही पड़ी थी, हम लोग 4 लोग थे, रात में गए थे लैटरिंग करे, कोरपुर स्टेशन है वहाँ हम लोग रुक गए थे। 3 लोग ये गए थे लैटरिंग करने, थोड़ा मतलब 200 मीटर दूर है एक वहाँ पर वो है चक्की है, वहाँ से पानी भरे, लैटरिन करके आ रहे थे तभी उनको गोली लगी, लेकिन आवाज़ गोली की नहीं आई। हम लोग को ये फ़ोन करके बताया कि भैया गोली लगी है, तब हम लोग दौड़ के गए इनके पास तो देखे यहाँ तो गोली लगी थी, तब तुरंत कोई वहाँ पे आसपास नहीं, कोई नहीं दिखा ना, तो गाड़ी दिखी, गाड़ी मतलब जैसे 5-6 मिनट हो गए तब फ़ोन किए होंगे, नहीं तो 2 मिनट बाद फ़ोन किए होंगे। बोला कि 2-व्हीलर गाड़ी थी, गाड़ी जा चुकी थी, लेकिन हम लोग कोई गाड़ी देख नहीं पाए उधर, गाड़ी थी क्या आपके दोस्त थे? हाँ मतलब मेरे घर के एकदम पड़ोस में, मतलब दोस्त ही थे। आप लोग साथ में गए? हाँ साथ में गए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां 2 इंटर कॉलेज का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरों ने किया चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। बता दें कि बाबागंज इलाके के 2 अलग अलग इंटर कॉलेज का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोर समेट ले गए। पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि महेशगंज थाना क्षेत्र के राम सेवक इंटर धमोहन में मंगलवार रात चोर पीछे की ओर से कार्यालय में घुस गए, दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर रखे सीसीटीवी कैमरे, एलईडी, इन्वर्टर, बैटरी इत्यादि उठा ले गए। वहीं दूसरी घटना रामलाल इंटर कॉलेज मसवन सियरिया का है, जहां दरवाजा तोड़कर भीतर घुसे चोर एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, इन्वर्टर आदि समेट ले गए। दोनों शिकायतों पर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है।